चालान में मंगलवार सुबह महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसे वहां मौजूद कर्मचारियों ने देखा। उन्होंने तुरंत ऊपर रखे ट्रैक्टरों को बाहर निकाला और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए कर्मचारियों ने दमकल विभाग को सूचना दी। इसके बाद आधा दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। ये घटना कोतवाली क्षेत्र के जालौन उरई स्टेट हाईवे स्थित महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी की। शॉर्ट सर्किट से बेसमेंट में लगी आग ने एजेंसी में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। एजेंसी के बेसमेंट के ठीक नीचे टीवीएस मोटरसाइकिल की एक और एजेंसी भी थी, जिससे आग फैलने का खतरा बढ़ गया। दमकल कर्मी लगातार स्थिति को काबू में लाने के प्रयास में लगे हुए हैं। इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका है। अब भी आग की लपटें उठ रही हैं और दमकल कर्मी धुएं व आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस भीषण आग से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मालिक राजवेंद्र सिंह द्वारा दी गई थी, तत्काल फायर की गाड़ियां आ गई मौके पर। तीन गाड़ियां तत्काल उदई से आ गई और जालौन, माधवगढ़ और कालकी से भी सूचना पर तत्काल कुल 7 गाड़ियां आकर आग पर पूरी कोशिश करके काबू पा लिया गया है। आग बुझ गई है। कुछ गाड़ियों का इनका बेसमेंट में रखी गाड़ियां 10-12 बाइक चली हुई हैं और मोटर पार्ट्स चले हुए हैं। अभी सही आकलन नहीं हो पाया क्योंकि अभी बेसमेंट काफ़ी गर्म है, लेकिन आग पूरी तरह से कंट्रोल हो गई।